हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में फ्राई दाल बनाएंगे, बहुत टेस्टी होता है ये। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। कुकर ले लिया है, गैस अभी ऑन नहीं किया है। यहाँ पे एक कप चना दाल को अच्छे से वॉश करके 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चना दाल को पकाने से पहले भिगो कर रखना जरूरी है, नहीं तो पकाने में काफी टाइम लग जाता है। ऐड कर लेंगे कुकर में। यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, ऐड कर लेंगे। 3 से 4 लौंग ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए डाल लेंगे। 1 बड़ी इलायची को मैंने तोड़ लिया है। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, पानी ऐड कर लेंगे 1.5 कप। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। दाल में हमें 2 सीटी लगानी है। दाल में 2 सीटी आ चुकी है, गैस को ऑफ कर लेंगे। दाल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। कुकर खोल के दाल चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दाल आपको खड़ा खड़ा दिख रहा होगा, पर ये अच्छे से पक चुका है। दाल को हमें मिक्स नहीं करना है, एक साइड में रख लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गरम होने देंगे। कढ़ाही गरम हो चुका है, 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरा को अच्छे से तरकने देंगे। 1 पिंच हींग, 1 बड़ी साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हमारा हल्का ब्राउन होने लग गया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भून लेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन निकलने तक। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े साइज के टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। उलट पलट कर देंगे टमाटर को, ढक्कन लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मसालों को अच्छे से भूनते हुए टमाटर को पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर को मैंने हल्का हल्का मैश कर लिया है। दाल में थोड़े से मोटे मोटे टमाटर के पीसेस दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए पूरी तरह मैश नहीं करेंगे टमाटर को। 3 हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया है लंबाई में, ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी रब करते हुए डाल लेंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है दाल में। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। उबला हुआ दाल ऐड कर लेंगे। दाल का गाढ़ापन या पतलापन आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। मिक्स करेंगे। कुकर में 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके ऐड कर लेंगे दाल में। अभी दाल आपको बिल्कुल खरी खरी दिख रही होगी। अभी जब थोड़ी देर ढक्कन लगा के उबालेंगे तो कुछ दाल इसमें मैश हो जाएगा, तो गाढ़ापन आने लगेगा दाल में। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रहने देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 1.5 से 2 मिनट उबाल आने देंगे दाल में। दाल एक बार चेक कर लेते हैं, दाल में उबाल आने लग गया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। फिर से ढक्कन लगा के कुछ देर पकने देंगे। दाल चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दाल में गाढ़ापन आने लग गया है। दाल को उतार के एक साइड में रख लेते हैं। अब हम दाल में फाइनल तड़का लगाएंगे। कलछी ले लिया है, गरम होने देंगे कलछी को। कलछी गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम लो पे कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच बटर, बटर की जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट होने देंगे बटर को। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से अदरक के जूलियंस डाल लेंगे। गैस बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर लिया है। दाल ले लिया है, दाल में तड़का लगा लेंगे। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया। दाल को ऐसे ही कुछ देर ढक के रखेंगे ताकि दाल का जो भी फ्लेवर है बाहर ना जाए। दाल में फ्लेवर अच्छे से आ चुका है, मैं आपको दाल दिखाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ढाबा वाला दाल लग रहा है हमारा। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरीके से घर पे ही ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।